हेलो यूनिक, अगर आप रात को 3 बजे मोबाइल को साइलेंट मोड में डालकर इनकॉग्निटो मोड ऑन करके कुछ वीडियोस देख रहे हो तो आपको उन वीडियो में बड़ी बड़ी चीजें देखकर यह ख्याल जरूर आया होगा कि क्या साइज मैटर करती है। और अगर ये ख्याल आया है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारी साइज के बारे में बात करने वाले हैं। तो इमेजिन करो कि क्या होगा अगर एक 10 माले की बिल्डिंग पर से हम एक चूहे, इंसान और हाथी को जमीन पर फेंके जहां कुछ गद्दे रखे हुए हैं। यहां पर होगा ये कि चूहा शायद ये फ्री फॉल सर्वाइव कर जाएगा और वो नीचे गिरने के बाद भी चलने फिरने की कंडीशन में होगा, पर इंसान के साथ ऐसा नहीं होगा। इंसान ये फ्री फॉल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, गिरने से उसकी सारी हड्डियां टूट जाएगी और उसकी मौत भी हो सकती है। और हाथी तो गिरते ही एक्सप्लोड ही हो जाएगा। चूहा, इंसान और हाथी ये तीनों सेम हाइट से नीचे गिरे, पर उनमें से सिर्फ चूहा ही जिंदा बच सका। और उसके जिंदा बचने का कारण है उसकी साइज। चूहे की साइज इंसान और हाथी से काफी कम है और इस तरह के फ्री फॉल में साइज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि ऐसे केस में किसी चीज की साइज कम होगी उसे उतना ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। और ये समझने के लिए एक छोटे स्फेरिकल जीव को इमेजिन कीजिए। इस जीव के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, जिसमें से पहला है उसकी लेंथ, दूसरा है उसका सरफेस एरिया जो कि होगी उसकी स्किन, और तीसरा है वॉल्यूम जिसमें उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, मसल्स, ब्लड वगैरह होंगे। अब अगर हम इस स्फेरिकल जीव को 10 गुना बड़ा कर दे, यानी कि उसकी लेंथ को 10 गुना कर दे, तो उसके ये तीनों फैक्टर सिर्फ 10 गुना नहीं बढ़ेंगे, उस जीव का सरफेस एरिया 100 गुना बढ़ जाएगा और उसका वॉल्यूम 1000 गुना बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसके सारे ऑर्गन्स और ब्लड भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे और इससे उसका मास बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। और मास जितना ज्यादा होगा, गिरते समय उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। इस वजह से इम्पैक्ट काफी स्ट्रांग होगा और जिंदा बचने के चांसेस काफी कम। अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो और वॉल्यूम कम हो तो इम्पैक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा जीव जिसकी साइज काफी कम है वो कहीं से भी गिरने के बाद जिंदा बच जाता है, पर जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसके बचने के चांसेस काफी कम है। और इसी कारण से चूहा जिंदा बच जाता है पर हाथी जिंदा नहीं बच सकता। तो साइज छोटी होने की वजह से आपको ये एक एडवांटेज मिलता है, पर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इमेजिन करो कि क्या होगा अगर एक चींटी फ्लोर पर चल रही है और उस पर पानी की एक बूंद गिर जाए। इस केस में ये पानी की बूंद उस चींटी को किसी सुपर ग्लू जैसी लगेगी। पानी के मॉलिक्यूल्स कोहेसिव फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम सरफेस टेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये सरफेस टेंशन हमारे लिए तो कोई मुसीबत क्रिएट नहीं करता, पर चींटी का केस थोड़ा डिफरेंट है। चींटी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि वो सरफेस टेंशन को ब्रेक करके उस बूंद से बाहर निकल सके, और ऐसा कई सारे इंसेक्ट के साथ होता है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नेचर ने ही निकाला है। इसीलिए कई सारे इंसेक्ट के स्केलेटन पर वैक्स की एक पतली सी लेयर होती है जो उन्हें भीगने से बचाती है। और कई सारे इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन पर कई सारे छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसकी वजह से पानी की बूंद उनकी स्किन को टच नहीं कर सकती। कई सारे इंसेक्ट पानी पर चल भी सकते हैं और उसका रीजन भी सरफेस टेंशन है। पानी के अंदर घुसने के लिए उनको पानी के सबसे ऊपर के लेयर को ब्रेक करना पड़ता है, पर यहाँ उन इंसेक्ट का वेट इतना ज्यादा नहीं होता और जो वेट होता है वो 6 या 8 पैरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और हर एक पैर के हिस्से में आने वाला वेट भी पैरों के नीचे की सरफेस पर लगे छोटे छोटे बालों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी की सरफेस पर इतना प्रेशर ही नहीं डाल पाते कि वो सरफेस टेंशन को ब्रेक कर सके, और इसीलिए वो इंसेक्ट पानी पर चल सकते हैं। अब इंसेक्ट को साइड में रखकर हम इंसानों की बात करते हैं कि क्या होगा अगर हम स्कॉट लैंग की तरह जायंट मैन बन सके। वेल, ये सुनने में काफी कूल लगता है पर असल में है नहीं, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर क्यूबलो जबरदस्ती घुसेगा। अगर आप साइज में बड़े होते तो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ उस रेट से नहीं बढ़ती जिस रेट से आपका मास बढ़ता है, तो ऐसे केस में आपकी मसल स्ट्रेंथ काफी कम होगी। और इसी वजह से रॉबर्ट वार्डलो, जो कि 8 फीट और 11 इंचेस के थे, वो सिर्फ अपने पैरों की स्ट्रेंथ की मदद से नहीं चल सकते थे, उन्हें चलने के लिए लेग ब्रेसेस की जरूरत पड़ती थी। तो अगर आप ऐसे जायंट मैन बनते हो तो आपके पैर आपका वेट हैंडल नहीं कर पाएंगे, पर इमेजिन करो कि आप अपना मास कांस्टेंट रखकर अपनी साइज को इंक्रीज कर सके, और ऐसा करके आप अपनी साइज को इंक्रीज करते हो और बन जाते हो 24 फीट के जायंट मैन। पर ये आइडिया भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी डेंसिटी काफी कम हो जाएगी। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी होती है 985 kg/m³, और अगर आप 24 फीट के जायंट मैन बन जाते हो तो आपकी डेंसिटी होगी सिर्फ 15.4 kg/m³, जिसकी वजह से आपको तेज हवाओं से काफी खतरा हो सकता है। अगर हवा की स्पीड 10 m/s या उससे ज्यादा होगी तो वो आपको अपने साथ उड़ा कर ले जा सकती है, पर इन सभी प्रॉब्लम को साइड में रख देते हैं और मान लो कि आप किसी तरह 24 फीट के जायंट मैन बन गए, पर तब आपका वेट क्या होगा? तो उसका आंसर है 4.5 metric tons, और इस वेट के साथ अगर आप जमीन पर चलना चाहते हो तो आपके पैरों का सरफेस एरिया काफी ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो आप जमीन में घुस सकते हो। और अब आप कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो तो आपका दिमाग धीरे काम करेगा, क्योंकि ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल की स्पीड सेम रहेगी और उन्हें पहले के मुताबिक ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसकी वजह से आप 4 गुना स्लो रिएक्ट करोगे। तो जायंट मैन बनना इतना भी आसान नहीं है। अब जरा दूसरी साइज की बात करते हैं, जो कि है एक एस्ट्रॉइड की साइज। करीब 65 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया था जिसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया। उस एस्ट्रॉइड का डायमीटर करीब 10 किलोमीटर था। पर आपको कभी यह ख्याल आया है कि क्या कोई ऐसा एस्ट्रॉइड है जो पृथ्वी से टकराए और पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए? और अगर है तो वो कितना बड़ा होना चाहिए?
वेल, यहाँ साइज से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है उस एस्ट्रॉइड की स्पीड, कि वो कितनी स्पीड से अर्थ को हिट करेगा। अर्थ के टुकड़े टुकड़े करने के लिए एस्ट्रॉइड का बड़ा होना जरूरी नहीं है। अगर कोई 30 मीटर का डायमंड से बना एस्ट्रॉइड अर्थ से लाइट की स्पीड से टकराए तो अर्थ के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, जिसके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। तो बात है उस टॉपिक पर जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, कि क्या नूनू की साइज मैटर करती है। तो उसका जवाब है ना, यहाँ साइज उतनी मैटर नहीं करती जितना आप सोचते हो। ब्रिटिश जर्नल ऑफ यूरोलॉजी इंटरनेशनल के मुताबिक नूनू का एवरेज साइज 5.16 होता है, और अच्छे सेक्स के लिए सिर्फ नूनू की साइज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो और चिल मारो। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।